सबसे पहले मेरे आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग इतना डरते क्यों हैं? अगर आप अपने पैसे को नहीं पेमेंट कर पा रहे हो, आपका लोन है, आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पे डरने वाली बात क्या है? बैंक और एनबीएफसी कंपनी का काम है आप लोगों को डराना। अगर वो डराएंगे नहीं तो आप लोग पैसे नहीं पे करोगे, इस बात को समझिए। अगर बैंक और एनबीएफसी कंपनी साफ तौर पर अगर आपको ये बोल दे अगर आप पैसे नहीं भी दोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या आपको लगता है बैंक और एनबीएफसी कंपनी अपना एक रुपया भी रिकवर कर पाएगा? आप इस चीज को समझिए। हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि लोग सबसे ज्यादा, जितने भी लोग मुझसे बात करते हैं, जितने भी लोग मुझसे फोन करके बात करते हैं, ज्यादातर लोग इतने ज्यादा डरे रहते हैं क्योंकि बैंक ने उन्हें लीगल नोटिस दे दिया है। बैंक ने उन्हें लोक अदालत में बुलाया, लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं हुआ, उन्होंने एक बार डरा दिया, धमका दिया कि आप लोग पर अरेस्ट वारंट आएगा, तो वो लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। नहीं आता अरेस्ट वारंट, कोई भी जेल में नहीं जाता। अगर आपने एक लोन लिया, आपने 25 लोन लिया, आपने 50 लोन लिया है, अगर आपसे ईएमआई नहीं पे होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पैसे लेके बैठ जाओ, बैंक एनबीएफसी कंपनी मैं गारंटी तो कुछ नहीं कर पाता है। पहले आप इसको पूरे प्रोसीजर को समझिए। आप सिर्फ दो तरह से लोन लेते हो, पहला सिक्योर लोन, दूसरा अनसिक्योर लोन। अगर आपके पास सिक्योर लोन है तो बैंक क्या करेगा, एक लीगल प्रोसीजर है, सबसे पहले 90 दिन तक वेट करेगा, फिर आपके लोन को एनपीए में डालेगा, उसके बाद आपको 13-2, 13-4 फिर डीएम नोटिस सर्व करेगा। अगर आपके पास इतने दिन में पैसे आ जाते हैं तो आप पे करो, नोटिस हट जाएगा। अगर आपके बीच में ही पैसे आ जाते हैं तो आप पेमेंट करो, वो लीगल नोटिस हट जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो, तो आपको कुछ दिनों के लिए राहत मिल सकती है। आप हाई कोर्ट से जाके स्टे लेके आ सकते हो, आप डीआरटी जाके स्टे लेके आ सकते हो, पर बाद में अगर पैसे नहीं रहेंगे तो फिर भी प्रॉपर्टी चला जाएगा। अब इस चीज को समझिए। अगर इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करना चाहते हो, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो ये सब पूरा कैसे काम आता है, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस से आपको बता पाते हैं, क्योंकि जितने लोग हैं सबका केस अलग है, सबकी परेशानी अलग है। स्क्रीन पे नंबर होगा, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि सबके साथ परेशानी अलग है, सबके साथ प्रॉब्लम अलग है। आप स्टे लेके आ सकते हो, पर पैसे नहीं रहेंगे तो आप पेमेंट कहां से करोगे, क्योंकि मेंटल टेंशन बढ़ता है और इसी का फायदा उठा के बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले आपको परेशान करते हैं। और किसी के भी घर को बेच देना, प्रॉपर्टी को बेच देना इतनी आसान काम नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसमें लीगल प्रोसीजर लगता है, काफी समय लगता है। अगर आपका अनसिक्योर लोन है, अगर बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले ने आपको डराया होगा, आप जब गए लोक अदालत गए होंगे तो उन्होंने बोला होगा आप पे हम एफआईआर करेंगे, आपको अरेस्ट वारंट आएगा। किस बात का अरेस्ट वारंट आता है? मेरे पास एक प्रॉपर्टी था, उसके अगेंस्ट हमने लोन लिया तो आप ले गए। अनसिक्योर लोन में हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं दिया, आपने ऐसी लोन तो दिया नहीं है, आपने मेरा प्रोफाइल देखा, आपने पूरा सर्वे किया, आपने पूरा जांच पड़ताल किया, ये आदमी करता क्या है, कमाता क्या है, सैलरी कितना है, उसके बाद जाके आपने लोन दिया है। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो हम क्या भेज दें? बैंक वाले बोल रहे होंगे आपको पकड़ के जेल में लेके जाएंगे, जेल में लेके चलो, आपको जेल में ले जाने से अगर आपका पैसा रिकवर होता है तो जेल में लेके चलो, तो कितने लोगों को वो जेल में लेके जाएंगे? इस चीज को समझिए। आप अगर पैसे नहीं दे पाते हो, किस किस लोन में आप लोगों को लोक अदालत बुलाया गया होगा? कार लोन, बाइक लोन, सीसी लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड है, अगर आप पैसे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, ये जितने लोन होंगे ना 2-3 साल पुराने होंगे, अगर उन्हें करना होता, अगर वो कुछ कर पाते तो 2-3 साल पहले भी कर लेते। ये सारे लोन को उन्होंने राइट ऑफ में डाल रखा है, अपने लेजर से हटा रखा है, ऑलरेडी ये माफ है। पर बहुत बार कंफ्यूजन होता है राइट ऑफ का मतलब माफ होता है, देखिए राइट ऑफ का मतलब माफ नहीं होता, इसको ऑलमोस्ट माफ इसलिए माना जाता है क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी ये लोक अदालत के जरिए चाहती है कि रिकवर हो जाए, पर इस पे कुछ खास खर्च नहीं करना चाहती, क्योंकि बैंक जो आपको बता रहे हैं ना, हम आप पे केस करेंगे, उसका कोई रिश्तेदार नहीं बैठा वकील, आप जब जाओगे तो वो पैसे मांगता है। अब 50-60 हजार का लोन है, 1-2 लाख का लोन है, 5 साल केस चलेगा, उससे ज्यादा तो वकील को पैसे दे देगा। क्यों डरते हो आप लोग? मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए सबसे पहले आप लोग डरना बंद करो। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है तो अपने बारे में जानो कि आप कितने दिन तक ईएमआई नहीं पे कर पाओगे। बहुत सारी चीजें होती है, क्यों देखिए सबसे पहले आप लोग अपने लोन को समझो। आपने जो भी लोन लिया, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में बिजनेस लोन, कोई भी लोन लिया, अगर आप अपने लोन को समझते हो, अपने लोन के बारे में जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो स्क्रीन पर नंबर है, आप उसे कॉन्टेक्ट करके अपने लोन के बारे में जान सकते हो। कभी भी कोई भी रिकवरी और बैंक एजेंट आपको कभी नहीं डरा पाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं हमेशा इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।